साथियों नमस्कार, सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश प्यासी। किसी भी कार्य का निष्कर्ष उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की तन्मयता पर निर्भर होता है। सतना शहर स्मार्ट सिटी में चयनित होने के बाद लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं सतना में आ गईं। जनप्रतिनिधियों ने अपना कर्तव्य निभाया, अब बारी प्रशासन की थी। लेकिन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी जिस तरीके की लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कोई गांव के साधारण अनपढ़ गवार हों, जिनसे किसी भी चीज में गुणवत्ता की उम्मीद आप न कर रहे हों। मामला सतना के बगहा रोड का है, जहां पर हाल फिलहाल सीवर लाइन का काम जारी है। सीवर लाइन के काम करने के बाद आरोप यहां तक लगे कि सड़क से निकलने वाली मुरुम भी ठेकेदार ने बेच ली। उसके बाद काम पूरा करने के बाद उसे मुरुम से ढका गया, लेकिन कल हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद आज पूरी सड़क में बहुत बड़े बड़े गड्ढे दिखे, जिससे उम्मीद लगाया जा सकता है कि बारिश के समय में यहां दर्जनों घटनाएं होंगी और जो सीवर लाइन बनाई गई है वह भी सलामत नहीं रह पाएगी। शासन और जनता का इतना ज्यादा पैसा लगने वाले कार्य में भी इस तरीके की गुणवत्ता कहीं न कहीं संबंधित इंजीनियरों और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है। खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है और नेताओं की छवि धूमिल होती है।